Assalamu alaikum my YouTube family, welcome back to the one another vlog. I hope each and everyone is doing good. So guys, we are going to start one another vlog from our shop. तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम आजकल कम ही व्लॉग्स डालते हैं ड्यू टू सम रीजन, एग्जाम्स भी चल रहे हैं. ऑलमोस्ट दो पेपर जो है हमारे हो गए कंप्लीट, तो अब और तीन पेपर से उसके बाद जो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू व्लॉगिंग करेंगे. तो ये देखो जी, आज जो है आज का व्लॉग जो है शॉप स्टार्ट हो रहा है. बहुत टाइम बाद शॉप से व्लॉग स्टार्ट और शॉप का नया लुक भी दिखाएंगे आपको कैसा है. और यहाँ से कल मतलब कि ईद भी है इंशाल्लाह कल या परसों, तो वो देखेंगे कब है, शाम को जो है कन्फर्म होगा. तो आज में जाना है पुलवामा, पहले हम बाइक करवाएंगे वाश और कुछ चीज़ें भी हमें लानी, कटिंग वगैरह भी हमें करनी है और भी बहुत काम है वहाँ से, तो वो भी करेंगे. तो निकलेंगे पहले सीधे मतलब शॉप से, जाएंगे पुलवामा की ओर, तो फिर देखते क्या सीन रहता है. फिलहाल हम निकलेंगे यहाँ से, पहले दिखाएंगे शॉप का जो है लुक दिखाएंगे नया वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है काम चल रहा था शॉप को, तो वो भी दिखाते हैं. तो ये देखो जी गाइस, फिलहाल हम निकलेंगे यहाँ से, एरा शॉप का बाहर वाला लुक. तो फिलहाल निकलेंगे यहाँ से, मिलेंगे आपको सीधे पुलवामा में. तो ये देखो जी गाइस, फाइनली हम मार्केट पहुंच गए पुलवामा. तो ये देखो यहीं से जो है गाड़ियाँ बहुत ज्यादा, ये देखो ऊपर से मतलब गाड़ियाँ नीचे की ओर, इसका मतलब है कि नीचे से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा, मतलब कि मेन मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा इस टाइम, लोग भी बहुत ज्यादा इस टाइम यहाँ पे, ये आप देख सकते हो. ये चेक करो जी कितने लोग हैं यहाँ पे. तो फिलहाल हम जाएंगे सीधे पहले कटिंग करने, पहले वही काम जो निपटा देंगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या सीन रहता है. बाइक की हॉर्न जो है वो भी ठीक करवानी है. ये देखो जी, यहाँ से भी बहुत ज्यादा रश है आज, अभी कंफर्म नहीं है कि अरफा आज या अरफा कल है, अभी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन भीड़ ना यहाँ पे आज ही बहुत ज्यादा है. आधे लोगों को ये लग रहा है कि आज ही अरफा है, तो देखते हैं वो शाम को जो कंफर्म होगा कब अरफा है और कब ईद. तो ये देखो जी, फिलहाल हम पहुंच गए मेन चौक में. तो ये देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है, हर साइड से भीड़, चक मारो. ये देखो जी, ये देखो जी भीड़. ये देखो ट्रैफिक कितना है यहाँ से, ये चक मारो. तो फिलहाल हम जाएंगे सीधे यहाँ से कटिंग करने पहले, तो फिर देखते हैं उसके बाद क्या सीन रहेगा. देखो ये देखो जी, यहाँ से ये वाला रोड जो है बंद किया इन्होंने ट्रैफिक की वजह से, लेकिन इसे जो है ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है फिर. तो फिलहाल हम जाएंगे पहले सीधे कटिंग करने वहीं पे कटिंग शॉप पे, देखते क्या सीन रहता है वहां पे. तो निकलते हैं जी यहाँ से सीधे मार्केट, ना फुल पावर देखो भर के है लोगों से, गाड़ियों से, इस टाइम फुल पावर भर के है पूरा मार्केट. तो पहले हम ये काम निपटा देंगे, कटिंग पहले करेंगे, तो उसके बाद देखते क्या सीन रहता है, पहले जाएंगे सीधे वहीं पे, मिलेंगे आपको वहीं पे. फिलहाल हम आ गए कटिंग करने, देखो बंदा, तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा है, तो करते हैं पहले कटिंग, दिखाते हैं आपको फाइनल लुक. ये देखो जी बाल बहुत ज्यादा है, ये देखो इसके नखरे. ये देखो जी, ये तो सेल हमें लानी थी, ये छोटी सी थी, ये ना जो कैमरा है उसकी जो माइक है उसकी सेल जो डेड हो गई थी, तो अब उसको लगानी है ये सेल, तो फिर करेगा कैमरा भी काम. कैमरा तो काम करता है लेकिन माइक नहीं करती है काम, इसीलिए हमने उसके लिए हमें ये दो सेल्स लानी पड़ी. तो देखते पहले ट्राई करके करेगा काम कि नहीं. ये देखो जी, यहाँ से कितनी ज्यादा भीड़ है, चख मारो. तो कटिंग करके हम सीधे निकल गए, तो अब हम जाएंगे सीधे कुछ कपड़े लाने, तो वो लाएंगे पहले, तो उसके बाद फिर बाइक भी वॉश करवानी है, हॉर्न भी ठीक करवानी है. तो फिलहाल हम जाएंगे सीधे वहीं पे, पहले लाएंगे कपड़े वगैरह क्या लाना है, तो उसके बाद फिर मिलेंगे सीधे आपसे. देखो जी गाइस, फिलहाल जो है पेट्रोल वगैरह हमने यहाँ से जो है फिल करवा लिया अच्छा खासा, क्योंकि कल दिन और परसों दिन ईद के दिन जो है पेट्रोल ज़्यादा ही फूकेंगे हम. तो फिलहाल हमें जो है पेट्रोल फिल करवाया यहाँ से, तो हम जाएंगे सीधे मार्केट की ओर. कपड़े वगैरह जो हमने पूरे डन करे थे, मतलब लाए थे, कटिंग भी हमने डन करी, अब बस हॉर्न करनी है ठीक,
तो वो जाएंगे सीधे वहीं पे, कपड़े हमने रखे थे एक शॉप वाले के पास, तो उससे कपड़े लेंगे, तो फिर जाएंगे वहाँ से सीधे घर की ओर। तो मिलेंगे आपको सीधे आगे, और भी चेंज कर, मतलब चेंज देखते हैं पहले, अगर ठीक हो गई तो यही करवाएंगे ठीक, अगर नहीं तो फिर चेंज ही करवाएंगे। तो फिलहाल हम निकलेंगे यहाँ से सीधे मार्केट की ओर। देखो जी गाइस, फाइनली हम पहुँच गए शॉप के पास। तो यहाँ पे जो हमने आयरन रिपेयर करवानी है अपनी, तो ये देखो जी, ये रहा शॉप। तो देखते हैं क्या सीन रहता है। फिलहाल जो भाई कर रहा है काम अपना, तो देखते हैं अगर यही ठीक हो गई। और यहाँ से देखो चेन लाइट भी टूट गई है, ये भी नहीं डालनी है। यहाँ से वाइजर वगैरह ये भी थोड़ा सा क्रेक है, तो ये सारी चीज़ें साइड पैनल वगैरह ये नहीं डालनी है। तो ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के बाद होगी। तो ये देखो जी, पुलवामा मार्केट से हम सीधे निकले। वहाँ से जो हमने एक दो वाशिंग सेंटर पीछे छोड़े, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आप देखते हैं इस वाले वाशिंग सेंटर में, मुझे लगता है कि एक दो दो ही गाड़ियाँ है, तो देखते हैं क्या सीन रहता है यहाँ। तो ये देखो जी गाइस, फाइनली यहाँ पे बोला कि लगाओ साइड में बाइक, तो वाश करेंगे। तो ये देखो जी बाइक की हालत कितनी ख़राब हो गई यहाँ से, ये देखो कितनी गंदी हालत है। और ये दिखाऊंगा मैं पीछे से भी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये चेक मारो, बहुत टाइम से जो है वाश नहीं करी हमने, यूज़ भी नहीं करी बाइक, तो वाश भी नहीं करी। तो अब करवाएंगे यहाँ पे जल्दी वाश, तो हम दिखाएंगे आपको बाइक का फाइनल लुक। फिलहाल हम आ गए इस टाइम वॉशिंग सेंटर, तो बाइक जो है हमने वहाँ पे लगाई है, तो वो कर रहा है वाश बाइक। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे विकेट्स भी है, बैट भी पड़ा है, लेकिन बाल नहीं पड़ी है, क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम क्रिकेट में स्पेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बाल नहीं है। तो फिलहाल देखिए क्या सीन है, वो कर रहा है बाइक वॉश। तो दिखाएंगे आपको अभी बाइक का फाइनल लुक, फिर मिलेंगे आपको उसके बाद। बाइक की सेल जो है वो हमने लाई, इसको हमने की इसमें एडजस्ट। आप ही बताना कमेंट्स में कि साउंड कैसी आ रही थी। बहुत टाइम बाद आज हम कैमरा से जो है शूट कर रहे थे, तो कमेंट्स में बताना। बाकी ये करी थी हमने शॉपिंग, ये दो शूज़ और ये एक और एक शूज़, और इसमें से टी शर्ट कार्गो वगैरह, बाकी हमने लाए थे कपड़े। तो फिलहाल दिखाते हैं आप बाइक का लुक आपको। देखो जी गाइस, बाइक की सर्विस जो है डन हो गई, तो अब हम निकलेंगे यहाँ से सीधे घर, क्योंकि इफ्तारी में दो चार मिनट बचे हैं बस, तो मिलेंगे आपको सीधे घर में। 2 hours later हम पहुंच गए थे बराबर इफ्तारी के टाइम पे घर। तो इफ्तारी वगैरह जो हमने कर ली, नमाज पढ़ के भी हम आ गए, हमने खाना वगैरह भी खा लिया, अब हम आ गए सीधे अपने रूम में। तो हमने सोचा ये बात पहले शेयर करेंगे कि अभी जो है कंफर्म नहीं हुआ कि ईद कल है या ईद परसों है। ईद कल ही होगी तो पता ही होगा सबको कि ईद कल है। तो फिलहाल हम करेंगे आज ही अपने इस वाले ब्लॉग को एडिट, अपलोड भी आज ही करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कल अगर ईद होगी तो कल ईद का ब्लॉग भी डालना ही है। तो करते हैं हम अपने इस वाले ब्लॉग को यही पेंड। चैनल पर जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी लाइक कमेंट शेयर का पता ही है। तो मिलते हैं किसी अच्छे और प्यारे ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एडवांस में सबको मेरी तरफ से और आप सबकी फैमिली को। एक बार I would talk about his check.